आज हम क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर जो बायोलॉजी का है वो है सेल। अभी अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी तो ये फर्स्ट चैप्टर होगा, बट अगर हम चलते हैं प्रेफरेंस बुक से तो सेकेंड चैप्टर आएगा। तो सारा काम जो हमारा होता है बॉडी में वो सेल के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसे लिखा गया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सारा बेसिक से लेकर के हर काम में सेल का ही नीड है और सेल से ही सारा चीज़ बना है, ठीक है। पहले तुम लोग पढ़ चुके हो ये चीज़, हमेशा याद रखना, सेल है, ठीक है। सेल से ग्रुप ऑफ सेल बनता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से क्या बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, वो क्या बनाता है, ऑर्गन। फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। फिर ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज द लिविंग बींग मेड अप, क्या से बना होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, सिंपल समझना यही है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कोई दीवार है, तो दीवार क्या कहलाता है, जब वो छोटा छोटा ईंट से मिल करके बन जाता है तो उसको दीवार कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म कब बनता है, जब छोटा छोटा सेल मिल करके टिश्यू बनाएगा, जो भी हम बताएं वो चीज करने के बाद कोई ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स बनता है। अब उसमें से क्या होता है कि जो सेल है, ठीक है, चाहे मान लो कितना भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म, देखो हर का नाम दिया गया यहाँ पर, आर्के बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट और एनिमल, सारा का अलग अलग पढ़ना है इसमें सारा चीज तुम लोगों, ठीक है ना। यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, सारा चीज पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ना है, उसमें समझ में आ जाएगा। तो वो सारा चीज क्या से बना हुआ है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट जिसको सेल्स बोलते हैं। हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, बिना एडेड आई के नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, ठीक है। तो सेल को अगर हम बात करें तो एक बायोलॉजी में एक एटम जैसे होता है फिजिकल साइंस में, वैसे ही ये सेल होता है। तो सेल को डिफाइन करने के लिए ये लाइन लिखा हुआ, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब सेल जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होगा, तो वो सेल का हम बताएंगे जब फिगर आएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और या फिर कोई सिंपल सेल होगा एनिमल का या प्लांट सेल का, तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम बताएंगे उस समय, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो सेल क्या होता है, जैसे मान लो सिंपल सा ये समझो, ये एक सेल है, ठीक है। तो देखो सेल में एक होगा सेल वॉल, ऊपर जिसका सेल वॉल होगा उसके ऊपर सेल वॉल होगा, जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होगा वो सेल वॉल नहीं दिखाता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा इसके अंदर, ठीक है, ये चीज़ जो हम ड्रा कर रहे हैं। फिर उसके अंदर ये पूरा जो लिक्विड है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, ये लिक्विड पूरा है, याद रखना है। अब लिक्विड को कैसे हम दिखाएं, इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये लिक्विड है मान लो अंदर में, ठीक है। अब इस लिक्विड में बीच में होता है ज़्यादातर न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में होता है हमारा क्रोमोजोम, क्रोमेटिन फाइबर्स, ये सब चीज़ सारा चीज़ में पढ़ना रहेगा। इससे लगा रहता है, न्यूक्लियस से लगा रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट अगर है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। गॉल्गी बॉडीज होगा यहाँ पर, बहुत सारा राइबोसोम्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारा माइक्रोफिब्रिल्स होगा, ठीक है। फिर वैक्यूल्स होगा, ये सब चीज़ होता है सेल के अंदर जनरली, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ाएंगे अच्छे से। अब क्या है कि इसमें मेटाबॉलिज्म शो करता है, हम पहले बताते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। तो सेल क्या करता है, कुछ या तो बनाना मेक करेगा, ठीक है, या फिर ब्रेक करेगा, कुछ बनाना या कुछ तोड़ना, यानी कुछ बनना या कुछ टूटना। तो कुछ एनाबॉलिज्म, कुछ कैटाबॉलिज्म, ये दोनों को मिला करके मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म क्या है, लिख लो यहाँ पर, एनाबॉलिज्म, ANABOLISM, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, CATABOLISM, ठीक है। अब देखो ये क्यों बोले, एना और कैटा, कैटा मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि जब कोई चीज टूटता है सेल के अंदर या कुछ बनता है सेल के अंदर तो एनाबॉलिज्म, और टूटता है तो कैटाबॉलिज्म। जब ये दोनों प्रोसेस होता रहता है उसी को बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को, लिख लो।
अब क्या पता है कि बहुत से ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल होगा, यूनिसेलुलर, या फिर मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल, जो जिसमें ऑर्गन सिस्टम होगा तो वो एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, जिसमें ऑर्गन सिस्टम कम है तो वो एक सेल से जनरली बना हुआ है। जैसे अमीबा वगैरह के बारे में पढ़ोगे, अमीबा है, फिर क्या बोलते हैं जितने प्रोटोजोआ में जितना था, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, सब सारा चीज क्या आ जाएगा, यूनिसेलुलर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि बात करेंगे कि सेल क्या क्या काम करता है, क्या से बना होता है, दो तीन में देखना, अलग अलग टाइप्स, अगर सेल वॉल होता है तो वो क्या क्या होता है, जैसे चाइटिन होता है, फिर क्या बोलते हैं उसको, सेलुलोज होता है, क्या क्या से बना होता है, ये सब सारा चीज़ हम देखेंगे। सेल क्या करता है, बहुत सारा फंक्शन करता है, जैसे कि अगर हम बात करें न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, बहुत सारा चीज़ है, तो ये जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है, इसको क्या करना है कि ये डिफाइन किया है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में। ठीक है, कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में डिफाइन किया है, इसको तुम लोग नोट डाउन कर लेना और इसको लिख लेना अच्छे से याद कर। ठीक है, तो क्या पता, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंक्शनल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए लिविंग वर्ल्ड इज सेलुलर। हाँ सही बात है, सेलुलर लेवल पे ही हर चीज़ का हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेल के अंदर, क्योंकि एक सेल के बारे में अगर हम स्टडी करते तो सारा स्टडी हो जाएगा हम लोग। ठीक है, सेल बायोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ सेल इन ऑल एस्पेक्ट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मतलब दोनों चीज में हर तरीके से पढ़ना सेल को सेल बायोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुआ। ठीक है, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक, सिंपली समझना क्या है कि एक कॉर्क होता है प्लांट में, ठीक है, उसमें से वो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर दिखता है, बट वो खाली होता है, ठीक है, वो लाइव नहीं होता, वो डेड होता है, और उसमें वो देखता है कि अरे इसमें कंपार्टमेंट टाइप का क्या बना हुआ है। ठीक है, रॉबर्ट हुक क्या करता है, एक स्लाइस लेता है कॉर्क का प्लांट से और देखता है कि ये क्या है, तो वो पहला जो डिफाइन करता है कि वो ये कंपार्टमेंट टाइप का जो सेल बनाता है, वो हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर होता है उसका, तो ये कंपार्टमेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, वो डेड होता है। ठीक है, उसमें ये चीज़ वो ढूंढता है। ठीक है, लिखा हुआ कि सेल, सेल मतलब लिटिल रूम, एक छोटा सा जगह। ठीक है, तब फिर इसको वो यहाँ पे देखो दिया हुआ है ये चीज़ फिगर, कि इस तरीके से दिख रहा था वो कंपार्टमेंट टाइप का स्ट्रक्चर हनीकॉम की तरह। ठीक है, वो माइक्रोस्कोप, जैसे जैसे देखो इस सेल में पढ़ना है कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का, ठीक है, माइक्रोस्कोप पे काम होता गया, एडवांस बनता गया, वैसे वैसे सेल अच्छे से हम लोग पास डिफाइनिंग होता गया। ठीक है, तो ये सेलुला लैटिन वर्ड दिया था। अब उसी में एक एंटोन वॉन लोयनहॉक था, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया, जिसके कारण ये और सब सेल को जान सका। याद रखना, अभी हम क्या बोले, माइक्रोस्कोप का बहुत ही यूजफुल है इस चीज़ में, स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो माइक्रोस्कोप पे ही जनरली है, समझो, क्योंकि सारा सेल के बारे में पढ़ेंगे कैसे, आँख से तो ऐसे देख नहीं सकते हैं जब तक उसमें हम कुछ लगाए ना, जैसे मान लो माइक्रोस्कोप या जो भी, तो वो चीज़ का यूज़ करके एंटोन वॉन लोयनहॉक स्पर्म सेल, डॉग का, रैबिट का, ये सब बहुत सारा चीज़ वो फाइंड किया। देखो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस सर्च किया, ठीक है, लिखते जाना, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस सर्च किया। ठीक है, जेई पुरकेंजे क्या किया, प्रोटोप्लाज्म को दिया। ठीक है, ज्यादा यही सब लिखना है। ठीक है, हैकेल क्या किया, न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है हेरिडेटरी कैरेक्टर, मतलब कि जैसे मान लो कि अगर एक इंसान के पास दो आंख है, एक नाक है, दो कान है, हाथ पैर है, तो वो अगले सेल के जनरेशन में जाना चाहिए, तो वो हैकेल बताया। ठीक है, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहता है, कौन कौन साइंटिस्ट है, स्क्लेडन है और स्वान है, एक प्लांट को देता है, एक प्लांट में दिया है सेल थ्योरी और एक एनिमल में दिया। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल में इसको नोट डाउन करना है अच्छे से, स्क्लेडन क्या किया प्लांट में दिया है, स्क्वान क्या दिया एनिमल में दिया। ठीक है, फिर से बता दें कि एक प्लांट ने दिया और एक एनिमल में दिया, वो दोनों को सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी का मतलब क्या है, सिर्फ समझो, यहां पर सेल थ्योरी का मतलब यही है कि जितना भी सेल, ह्यूमन बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स बना हुआ, सेल से बना हुआ है। ठीक है, बट इसमें एक साइंटिस्ट का बहुत बड़ा टर्म आया था, रुडोल्फ वर्क्यो नाम है। ठीक है, ये दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला,
ठीक है, ये चीज़ दिया, ये पूछता है अक्सर, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है कि ऑल सेल्स आर मेड अप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि मतलब जैसे ये ऑर्गेनिज्म था, इसमें अंदर सेल था, तो यही सेल से नया सेल बनता है, पता है तुम लोग को थोड़ा बहुत, कि डिवाइड करता है सेल और नया सेल बनता है। तो यही बोल रहा है ये रुडोल्फ बर्को कि जितना भी सेल बना है वो पुराने सेल से ही बना है, जो बॉडी में है उसी सेल से बनता है नया सेल, ये कहना है इस चीज़ में, बस और कुछ नहीं समझना तुम। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे सेल थ्योरी का एक्सेप्शनल थोड़ा सा दिया था, ठीक है, और इसमें दिया हुआ नहीं एक्सेप्शनल, बट उसके सपोर्ट में दिया हुआ एक्चुअली। तो हम बताते हैं कि एक्सेप्शन में क्या क्या रहेगा, ठीक है, अगर इसमें दिया हुआ रहे तो, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट, ठीक है, सेल्स है और उसके जितना भी अंदर होगा ऑर्गेनल्स वगैरह वो सब चीज़, ठीक है, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, सारा काम मेटाबॉलिक रिएक्शन सब इसी में होता है। ऑल सेल्स आर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, ठीक है, मतलब नया सेल कोई नया ऐसे बनता है बिना किसी पुराने सेल के हेल्प से। फिर एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ सिंगल सेल, सिंगल सेल से अपना लाइफ स्टाइल करता है, बट वायरस एक एक्सेप्शन हो जाता है सेल थ्योरी के, बहुत छोटा होता है, बहुत सारा चीज़ जो है ना सेल थ्योरी में डिफाइन नहीं कर पाता है, ठीक है, कि छोटा और बड़ा क्या है, इतना छोटा तो नहीं होना चाहिए था सेल को, तो वायरस बहुत ज़्यादा छोटा था बैक्टीरिया वगैरह से भी, ठीक है, इसके कारण इसको भी एक्सेप्शन है। हाँ ये पढ़ना है लाइट में, ये एक काम करना तुम लोग घर पे, ये जो इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल्स है, एक वाइट पेज लेना और माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर बना के रखना, ठीक है, ये पूरा बनाना है, इसके बारे में लिखना है, एक तरह का प्रोजेक्ट समझ लो, इसको आराम से तुम बना सकते हो बिना बाहर जाए हुए कुछ लिए हुए, क्योंकि पेंसिल रबर और वाइट शीट तो होगा ही, उसको लिख करके ये बनाना है, ठीक है, और इसमें मेन मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके बारे में लाइट मतलब हाईलाइट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं बनाना क्योंकि ये बहुत ज्यादा थोड़ा टफ हो जाएगा। नॉल एंड रस का ये डेवलप किया था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैग्नीफाइंग देखना है और कौन डेवलप किया, ठीक है, ये है क्वेश्चन ऐसा पूछता नहीं है, वन वर्ड एमसीक्यू वगैरह पूछेगा, ठीक है, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, कितना मैग्नीफाइंग पावर है, बस यही सब चीज करता है, लेंस यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होता है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें, लाइट नहीं इलेक्ट्रॉन होता है, वैक्यूम इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये सब चीज़ है। हाँ दूसरा क्या है, ये एक्टिविटी करके आना, एक्टिविटी 2.1, बट इसका यूज होगा बहुत सारा चीज़, देखना कुछ थोड़ा बहुत अगर होता है प्याज वगैरह में कुछ ऐसा तो होगा नहीं, घर में माइक्रोस्कोप छोटा वगैरह तो लैब में ही होता है, इसको मत करना, छोड़ दो, इसको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे।